इटावा जनपद के जयथाना जसवंत नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला झेला में चाचा ने अपने भतीजे की आदतों को लेकर अपने भाई से शिकायत कर दी, जिससे नाराज होकर रात्रि में भतीजों ने एकजुट होकर चाचा और उनके एक सहयोगी पर हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी से हमला करने के बाद चाचा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजन आनन फानन में शशि कुमार को जिला अस्पताल लेकर के आए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमलावर भतीजे भागने की फिराक में थे। पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने हमला करने वाले भतीजे और उनके अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया कि कोई पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसके चलते चाचा भतीजे में झगड़ा हो गया, जिसमें चाचा शशि कुमार की मृत्यु हो गई है। झगड़े का कारण पता किया जा रहा है, पुलिस की जांच चल रही है, तहरीर आने पर कार्रवाई की जाए। अरे हमारे पीछे हमारे दाऊ जी रहते हैं, राजा राम दाऊ जी, उनका बेटा उनके साथ उनके बेटे के साथ घूमता फिरता था। तो ये हमारा भाई यहाँ से गया तो उन्होंने जाके समझाया, भाई दाऊ अपने बेटे को समझाओ, ये बहुत ज्यादा आवारागिरी कर रहा है, इसे समझा लो। तो इसी बात पीछे हमारी चाची सुन रही थी, उनके बेटे के साथ घूमता है ये, बस उन्होंने कहा सुनी मेरे बेटे क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, इसी बात में बातचीत बहस की इनमें झगड़ा होने लगा। फिर वो झगड़ा होते होते सीधा इधर आगे घर तक आ गए, फिर आगे घर पर लाठी डंडे निकाल लिए इन्होंने, पहले प्लानिंग थी इनकी झगड़ा करने की। बोलो कितने लोग थे? 5 लोग से। क्या क्या नाम थे? होशियार सिंह, उनकी क्या नाम पत्नी क्या नाम, रूपा देवी, रूपा देवी, अजय कुमार और पवन कुमार, वैसे कोल्ड वर्ल्ड में सिंटू बिंटू कहते हैं, और राम प्रसाद। जी सर, चाचिया होता है लकड़ी फाड़ने वाला वो था, और वो क्या ना वो लकड़ी काटने वाला बका था, कुल्हाड़ी वो चारा काटने वाला बका, और डंडे थे इनके पास। वो ही आपसी विवाद बताता हूँ। थाना जसवंत नगर के ग्राम नगला झेला में बीती रात एक ही परिवार, जो कि आपस में चाचा और ताऊ हैं, के बीच में किसी बात को लेकर उसमें विवाद हुआ, और शशि नाम का युवक जिसकी उम्र 32 वर्ष है, उसको जो है धान के खेत में उसके ऊपर जो है कुल्हाड़ी से हमला किया गया और उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक का जो शव है अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वादी पक्ष की ओर से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही कोई तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल हो गए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या अभी ये लग रहा है कि परिजन ही, ये आपसी विवाद था दो फैमिली के बीच में, जैसे मैंने बताया कि एक पक्ष में चाचा और भतीजे थे और दूसरा पक्ष में भी उनका भतीजा था, तो दोनों ही जो है फैमिली मेंबर्स हैं। तो जो मरने वाला वो चाचा है भतीजा? भतीजा है।